फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो KVS एग्ज़ाम का आप लोगों का पेपर है। पिछले साल हुआ था, इससे आपके आने वाले साल में किस तरह का पेपर आता है ये जानने में आपकी हेल्प होगी। तो 60 क्वेश्चन हम कर चुके थे, उससे आगे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो 61 नंबर का क्वेश्चन था, अ टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ़। एक टीचर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है जब वह ही और सी हेल्प स्टूडेंट टू अचीव मास्टरी लर्निंग। जी हाँ, जब मास्टरी लर्निंग में वो हेल्प करें, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज बाय। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक और आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई है कि तीन छोटे यहाँ पर हमें दिए गए हैं, एक बड़ा सेंटेंस दिया गया है, तो इसको देखते हैं। अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड एंड पर्पजेस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर। जी हाँ, ये एकदम सही उत्तर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। सोशल कंपटीशन की केवल बढ़िया नहीं है, ए हाई लेवल ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट इट्स नॉट एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है फोर्थ वन हो जाएगा हमारा। एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन अब यहाँ पे है, मैच द टू सेट्स। सेट वन इंडिकेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन पियाजेस मॉडल एंड सेट टू इंडिकेट्स एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेलेक्ट द करेक्ट कोड टू रिप्रेजेंट योर आंसर। सही कोड को आपने जो है एसोसिएट करना है, यानी मिलान करना है सही ऑप्शन के साथ। देखते हैं सेट वन, सेट टू। सेंसरी मोटर, तो सेंसरी मोटर इनमें से किससे मैच करेगा, रिवर्सिबल थिंकिंग से, ऑब्जेक्ट परमानेंस से, ईगो सेंटेंस से, या डिडक्टिव थिंकिंग से, और रिपीटेटिव टास्क से, या इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ए का वो होगा दोस्तों रिपीटेटिव टास्क। जी हाँ, सेंसरी मोटर्स में क्या सही उत्तर हो जाएगा हमारा, रिपीटेटिव टास्क से। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है बच्चे में, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, ये होगा दोस्तों डिडक्टिव थिंकिंग। जी हाँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल डिडक्टिव थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन में होता है दोस्तों इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस। जी हाँ, सेल्फ अवेयरनेस जब आ जाती है तो उसको इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। तो ये सारे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो उनकी थ्योरी थी उससे रिलेट किया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अन अकेडमी में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे वीडियोज़ हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से, कुछ कोड दिए गए यहाँ पर, तो हमारा थर्ड वाला जो सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर हेरिडिटी का प्रभाव सबसे अच्छे से कौन आपको दर्शाता है। यहाँ पे हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो, नो, इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, इट इज़ द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ हाउ फार वी विल गो, इट इज़ द प्राइम डिटरमिनेंट। सो इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, हम कहाँ तक जा सकते हैं हेरिडिटी के हिसाब से ना, आनुवंशिकता। जैसे अधिकतर माना जाता है कि जो विद्वान बच्चे हैं या होशियार पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे भी अधिकतर होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन एक तरह से डिटरमाइन करता है कि हम कितना दूर तक जा सकते हैं। तो सेकेंड वन इज़ द राइट। ऐसे ही अगला प्रश्न है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग देम इज़ डन थ्रू, उनको प्लग करना किसकी सहायता से हम कर सकते हैं, टीम टीचिंग से, रिफ्लेक्टिव टीचिंग से, या रिमेडियल टीचिंग से, या री टीचिंग से। तो ये हो सकता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के माध्यम से, ठीक है, जिसमें बच्चे अपने आप को दर्शा सकें, दिखा सकें अपनी परफॉर्मेंस, या टीम टीचिंग समूह शिक्षण में ऐसा हो सकता है, या रिमेडियल टीचिंग की बच्चे को आप जाने, या री टीचिंग। तो क्या होगा इसमें दोस्तों, तो इसमें बच्चों को जानना, रिमेडियल टीचिंग में क्या होगा, पहले आप कारण जानेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बाद उसका उपचार करते हैं। तो रिमेडियल टीचिंग एकदम सही है कि लर्निंग गैप्स को अगर आपने बच्चों के दूर करना है, तो थर्ड वन इज़ अवर करेक्ट आंसर।
ऐसे अगला प्रश्न है, यू हैव एडमिनिस्टर्ड अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स टू क्लास फिफ्थ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इट, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एट एडमिनिस्टर अनदर टेस्ट, विच टेस्ट वुड यू प्रेफर। ठीक है, आपने एक टेस्ट लिया बच्चों का, उसमें जो है सारे के सारे बच्चे फेल हो गए, फिर आपने एक और टेस्ट लेना है, ठीक है, तो आप कौन सा टेस्ट आप प्रेफर करेंगे, समेटिव टेस्ट लेंगे, मास्टरी टेस्ट लेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे या फॉर्मेटिव टेस्ट लेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर जो आपका टेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्ट या फॉर्मेटिव टेस्ट या मास्टरी टेस्ट या समेटिव टेस्ट। तो आप कौन सा टेस्ट लेंगे दोस्तों, आपने देख लिया कि बच्चे फेल हो रहे हैं, डायग्नोस आपने कर लिया है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट तो आप नहीं करेंगे, ठीक है, किसी चीज़ की मास्टरी आपने देखनी है कि बच्चे वीक हैं। समेटिव टेस्ट तो होती होता है कि एक तरह से जो आपने तुरंत जो क्लास के बाद लिया जाता है, क्लास के अंतर्गत भी लिया जाता है, तो हमारे तो सेफ हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा फॉर्मेटिव टेस्ट आप लेंगे बच्चों का। ऐसे अगला प्रश्न है, इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, जो इमोशनल रिस्पॉन्स है किसी सिंबल का वो प्राइमरली किसका रिजल्ट है, ठीक है, मैच्योरेशन का, लर्निंग का, एडजस्टमेंट का या इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन का। तो इमोशनल रिस्पॉन्स जब करते हैं आप सिम्बॉलिक स्टिमुली के लिए तो उसको कहा जाता है मैच्योरेशन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अ जनरलाइज्ड व्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ओट टू बी प्रोसेस पोजेस्ड बाय वुमेन एंड मैन इज कंस्टिट्यूट्स, ठीक है, एक जनरलाइज्ड व्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का है जो धारण किया जाता है किसी भी वुमेन और मैन के द्वारा, ठीक है, लक्षणों का, तो जेंडर रोल्स उसे कहेंगे, जेंडर आइडेंटिटी कहेंगे, जेंडर डिस्पेटिंग कहेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप। जी हाँ, ये सही उत्तर हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप, आपने सुना भी होगा लिंग रूढ़िवादिता जो कहते हैं, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू हैंडल अ रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ ए स्टूडेंट वुड बी, अगर आपने किसी भी विद्यार्थी के गलत जो उसका रिस्पॉन्स है, गलत उत्तर है, उसको आपने क्या करना है, हैंडल कैसे कर सकते हैं आप, टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन, टू टेल द स्टूडेंट्स दैट हाउ यू आर इज रॉन्ग, टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव आंसर। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट मैटर इन डिटेल अगेन, फिर से आप जो है डिटेल में स्टूडेंट के मैटर को बोलेंगे। सो सही में जब आपके सब्जेक्ट को आप दोबारा से बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि उसके समझ में अच्छे से और आ जाए, दिस इज द राइट आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक यूज फॉर, ठीक है, आपने से जितने भी टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों ने बी एड तो किया ही होगा, तो माइक्रो टीचिंग आप लोगों ने वहाँ पर ज़रूर कराई होगी, यानी सूक्ष्म शिक्षण आपने कराया होगा, तो ये क्यों यूज़ किया जाता है इस तकनीकी को, इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें, टीचिंग स्मॉल साइज क्लास और टीचिंग इन ए सिमुलेटेड कंडीशन, प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल और टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमुलेटेड कंडीशन में, यानी कि समान परिस्थितियों में पढ़ाने के लिए, ताकि आपको क्लासरूम पहले दी जाती है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से कि आप किस तरह क्लास में पढ़ाएंगे, एक आपको उसका ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है, इसलिए आपका सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा। तो ये थे दोस्तों कुछ आपके लास्ट ईयर के प्रश्न जो 22 दिसंबर को पूछे गए थे, 2018 का जो पेपर था उसमें ये सारे क्वेश्चंस आए थे, अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, और सीटेट की तैयारी भी साथ साथ करते रहेगा जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं, क्योंकि मैं इससे संबंधित वीडियोस भी आपके बनाता हूं, और पहले के वीडियोस भी बहुत सारे मेरे हैं सीटेट के ऊपर, और फिर से मैं आप लोगों के कुछ इस साल क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, तो कम ही समय अब रह गया है, तो उसकी तैयारी भी अच्छे से कीजिए आप लोग, और बीच में हम अन्य, जैसे आपने KVS का एक मांगा था मुझसे कि किस तरह का पेपर होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको सिलेबस, बुक्स और कुछ क्वेश्चंस जो हैं बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और इसके साथ साथ अभी IBBS का जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है वो किस तरह से होता है उसकी भी मैं देखता हूं कि आपको बता दूं कि सिलेबस और कंटेंट किस तरह का आता है, ताकि आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता चल जाए। और इसके अलावा अगर कोई अन्य जानकारी आपको टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी आपको जानना है या किसी भी एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर एजुकेशनल चैनल है आपका, आप यहाँ पर बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसा मैं आप लोगों से हमेशा कहता आता हूँ फ्रेंड्स, की स्टडी कीजिए अच्छे से और आप क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है।
जितनी ज़्यादा आप अच्छे से मेहनत करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और कभी भी नोटिफिकेशन के पीछे मत जाइए, आप एक तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, कहीं ना कहीं तो पोस्ट आएगी। आप कह रहे हैं कि केवी में नहीं आएगी, तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आपके स्टेट में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अन्य टेट की, एसटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी सब्जेक्ट की यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ लेक्चरर के एग्ज़ाम, एलटी के एग्ज़ाम आते रहते हैं, तो आप लोग उसमें तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दोस्तों, आपके विचार भी मैं जानना चाहूँगा, आपके कमेंट्स मुझे चाहिए, कुछ आपको पूछना है, कुछ जानना है, तो आपका स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।